पुलिस आयुक्त महोदय, गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 13 मार्च को बिशरफ थाना पुलिस टीम के द्वारा ए सिटी चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध बदमाश मोटरसाइकिल से गुजर रहा है। पुलिस टीम के द्वारा उक्त संदिग्ध बदमाश को रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सहजान उर्फ काला, जो मूलतः बिजनौर का रहने वाला है और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में रह रहा है, के रूप में अपनी पहचान बताई। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उसने आज दोपहर में पाम वैली के पास एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की थी, साथ ही वह अन्य किसी अन्य घटना की फिराक में था। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 वोल्ट कार्टेज, एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक पीली धातु चेन बरामद हुई है। अभियुक्त का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके विरुद्ध 6 अभियोग विभिन्न थानों में और विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। इसके बारे में अन्य पूछताछ और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस आयुक्त महोदय, गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 13 मार्च को बिशरफ थाना पुलिस टीम के द्वारा ए सिटी चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध बदमाश मोटरसाइकिल से गुजर रहा है। पुलिस टीम के द्वारा उक्त संदिग्ध बदमाश को रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सहजान उर्फ काला, जो मूलतः बिजनौर का रहने वाला है और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में रह रहा है, के रूप में अपनी पहचान बताई। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उसने आज दोपहर में पाम वैली के पास एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की थी, साथ ही वह अन्य किसी अन्य घटना की फिराक में था। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 वोल्ट कार्टेज, एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक पीली धातु चेन बरामद हुई है। अभियुक्त का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके विरुद्ध 6 अभियोग विभिन्न थानों में और विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। इसके बारे में अन्य पूछताछ और